Hello everyone, this is Shilpi and you are watching the It's a Witsy Mom. आप सभी को मेरे इस चैनल पर एक वार्म वेलकम। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का DIY वीडियो। आज का DIY वीडियो एक कम्प्लीटली फेस्टिव DIY है। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं जन्माष्टमी के लिए एक डेकोरेशन या जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी का झूला। इसको बनाने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल और घर में अवेलेबल चीजों का ही यूज किया है। सबसे पहले तो मैंने दो पेपर के कप लिया और उसमें सीमेंट, व्हाइट सीमेंट को घोल कर डाल दिया। फिर उसमें मैंने दो लकड़ी के टुकड़े, ये जो लकड़ी का टुकड़ा था ये कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी में जो डंडा लगता है ना वही है। तो मैंने इनको 20 रुपीज करके खरीदा था हार्डवेयर के शॉप में। आपके पास अगर कोई दूसरा लकड़ी का टुकड़ा है या PVC पाइप है तो आप उसे यूज कर सकते। फिर मैंने इसे रात भर छोड़ दिया ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए और एकदम हार्ड हो जाए। देन मॉर्निंग में मैंने कप से इन्हें डीमोल्ड किया और फिर ब्लैक एक्रिलिक कलर से पेंट किया। जब मेरा ब्लैक एक्रिलिक कलर पूरी तरह से ड्राई हो गया, मैंने इसको थोड़ा सा गोल्डन मेटालिक कलर से हाईलाइट किया। तो ये बन गया हमारे दो लकड़ी के स्टैंड। अब आगे की तैयारी हम करते हैं। अब ये स्टैंड को थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए मैंने यूज किए येलो कलर का ये डेकोरेटिव रिबन। इसे मैंने अमेजोन से मंगवाया था। आपको ये लोकली भी मिल जाता है या फिर आप ऑनलाइन भी इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे रिबन्स अवेलेबल है जिन्हें आप परचेस कर सकते हैं। तो जन्माष्टमी डेकोर है तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल मैंने इसे बनाने की कोशिश की है और मैंने मोस्टली वही सारे कलर्स का यूज़ किया है जो कृष्ण जी को अच्छे लगते हैं, जैसे कि येलो और फिर ग्रीन। ये सारे कलर्स का मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है। तो ये दो बन गए साइड के दो पिलर्स। अब मैंने और एक लकड़ी का पीस लिया और उसको मैंने ग्रीन कलर के इस रिबन से रैप कर दिया। तो ये इसको अच्छी तरह से पूरे जो स्टिक है इसको मैं रैप कर रही हूँ इस ग्रीन कलर के रिबन से। अब मैं लूंगी एक टेराकोटा का प्लेट। मेरे पास ये टेराकोटा का प्लेट पहले से किसी क्राफ्ट में यूज हुआ था, वो रखा हुआ था, तो मैंने उसे लिया। आपके पास अगर नया है या फिर पुराना है कोई भी आप यूज कर सकते हैं। फिर मैंने इस प्लेट के चारों तरफ, चारों कॉर्नर में मार्किंग कर लिया और उन्हें वहां पर मैंने एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से हल्के हाथों से चार होल्स कर लूंगी। ये करते समय बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत हल्के हाथों से करना है। बार बार आपको थोड़ा रोटेट करके हल्के हाथों से करोगे तो हमारा होल्स बन जाएगा। अदरवाइज ये प्लेट, अगर आप ज्यादा जोर से करोगे तो फिर ये प्लेट का साइड से टूटने का रिस्क रहता है। फिर इन होल्स में मैं ये पतले वाले जो रिबन आते हैं उनको मैं लगा रही हूँ, क्योंकि अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा ये जो प्लेट है इसको मैं कान्हा जी के झूले की तरह, मतलब उनके बैठने की जो झूला होगा उसको बनाने के लिए यूज करने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने इस प्लेट पे चारों तरफ डोरी लगा दिया। अब इस प्लेट को और थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने ये गोल्डन पट्टी लगाया। अब चलिए अब इनको अरेंज करते हैं। हमारे सारी चीज़ें डेकोरेट हो गई है तो इन्हें अब अरेंज करेंगे। मैंने साइड में ये दोनों पिलर्स को लगाया और फिर उस दो पिलर्स के ऊपर मैंने हॉट ग्लू की मदद से ये ऊपर वाले जो लकड़ी का टुकड़ा है उसको लगा दिया, जिसमें से ये झूला हैंग हो रहा है। और फिर मैंने एक पीकॉक को भी लगाया, क्योंकि पीकॉक तो कान्हा जी को बहुत ही पसंद है। तो मैं मोस्टली आइदर मोर पंख या फिर मोर, इन सब का यूज करती हूँ अपने जन्माष्टमी डेकोर में। और इसी के साथ इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक कान्हा जी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा झूला बनाया। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरह से डेकोरेट करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ फ्रेश फ्लावर्स का यूज किया है। और एक बात, यहाँ पे इन पिलर्स को और थोड़ा मजबूती देने के लिए मैंने जो साइड के जो पिलर है उनके नीचे टेराकोटा का प्लेट रखा है, जिसके ऊपर मैंने पत्थर्स भी रखे हैं ताकि ये एकदम मजबूत रहे, हिले डुले नहीं, गिरने का कोई डर ना हो। तो
इस तरह से मैंने ये झूला बनाया। इसको बनाना बहुत आसान है और आप इसे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर्स में डेकोरेट कर सकते हैं। और ये फिर मैंने यहाँ पे कुछ फ्रेश फ्लावर और कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स से इस तरह से मैंने डेकोरेट किया है। होप करती हूँ आपको आज का ये सिंपल सा जन्माष्टमी DIY अच्छा लगा होगा और आप भी इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरे DIY वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं और भी नए नए DIYs आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आज का DIY वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे कुछ नए DIYs के साथ, कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हैप्पी क्राफ्ट।